नमस्कार, दैनिक शिव चाय में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शिवम भगत के साथ। जहां एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार विवादों के घेरे में है, लगातार कटाक्ष हो रहे हैं, वही दूसरी तरफ बाबा चंचल जो समाज सेवी है जमकर बरस रहे हैं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा पर। चलिए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या कहना है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। बाबा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आपके इतने वीडियो बाबा जी वायरल हो रहे हैं, आपने तो और फेमस कर दिया भारत जोड़ो यात्रा को। आपने उनके टी शर्ट पर, आपने उनके बिना स्वेटर पहनकर या जैकेट पहनकर चलने पर आपने कह दिया, पता नहीं कौन कौन से वो कैप्सूल्स आते हैं, कहाँ से इतना ताकत लाते हैं। तो किस तरह से आप इस यात्रा को ले रहे हैं? मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले भारत माता को मैं नमन करना चाहता हूँ, अपने फोर्स के जवानों को नमन करना चाहता हूँ। जो कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 70 वर्ष का हमारे भारत के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो जख्म जो है राहुल गांधी जी ने ताजे किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने ताजे किए हैं। हमारे, मैं देवे बटाले का रहने वाला हूं, पीओके का रहने वाला हूं, पीओके का एरिया जो है वो हमारा जब वहां से छूटा तो आधा परिवार हमारा रास्ते में ही मर चुका था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, हमारे परिवार ने इस पार्टी का क्या बिगाड़ा हुआ था? उसका जिम्मेदार आप कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का कौन है? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, 1947 में जब हमारे वीर भगत सिंह जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की आवाज उठाई, वो पूरे भारत को उन्होंने एक संदेश दिया, जागो इंडिया, बढ़ो इंडिया, एक संदेश था हमारे वीर भगत सिंह जी का, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। और हमारे वीर भगत सिंह जी को अंग्रेजों के साथ मीटिंग करते हुए, उस दौरान हमारे नेहरू जी, जिनाह जी, हमारे बापू गांधी जी, इन्होंने उस दौरान जे उनके साथ मीटिंग करते हुए हमारे वीर भगत सिंह जी को फांसी पर चढ़वा दिया। हमारे वीर भगत सिंह जी एक बहुत महान हमारे राजगुरु जी, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी ली, अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। उस दौरान जे लीडर चाहते थे तो उनकी जान जो है वो बच सकती थी। उसके बाद इन्होंने 70 वर्ष में उन्हीं को कभी भी मान सम्मान जो है वो भारत की तरफ से उसके परिवार को, उनको कभी नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आपने अपनी खुशी के लिए 1947 में हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया गया, कुटाया गया, गल गल खून उनका बगाया गया, इसकी कसूरवार जो है वो कांग्रेस पार्टी है। मैं कहता हूं आपके चैनल के थ्रू, अगर राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ 2 मिनट मीडिया में बात करके देखे, कभी मेरी बातों का जवाब दे तो मैं अपना बलिदान अपने भारत के लिए दे दूंगा। जे लोग कभी भी भारत की भलाई नहीं चाहते, भारत जोड़ यात्रा नहीं करने वाले जो लोग, इन लोगों ने 70 वर्ष का भारत को तोड़ा है। 1947 में हमारे लाखों लोगों को मरवाया गया, कटाया गया, अंग्रेजों के साथ सलाह करते हुए हमारे नेहरू जी, हमारे जिनाह जी, इन्होंने सलाह करते हुए 2 टुकड़े हमारे भारत के किए, एक तरफ पाकिस्तान बना दिया, एक तरफ हमारा हिंदुस्तान बना दिया, लाखों लोगों को मरवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं पहला युद्ध हिंदुओं मुसलमानों का कराने वाला कौन सी पार्टी है? जे है कांग्रेस पार्टी। हमारे लोगों का भाईचारा, हिंदू मुसलमानों का भाईचारा खराब किया। हमारे हिंदुओं ने या मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा हुआ था इस पार्टी का, जिन्होंने लाखों लोगों को मरवा दिया? आप आज एक भाजपा के नेता होने के नाते बोल रहे हैं, एक समाज सेवी हूं। मैं एक समाज सेवक हूं, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, मैं देश के हित में बात करता हूं। वही तो लीडरों को मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। वही तो राहुल गांधी कह रहे थे कि देश को बचाना है, क्योंकि देश में लगातार नफरत फैलाने का काम, देश को बचाने वाले हैं वो कह रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, नफरत के बाजार में। इस चैनल के थ्रू मुझे बताओ, मैं राहुल गांधी को सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे जब बताए 1947 में हिंदुओं मुसलमानों को किसने कटवाया, हिंदुओं मुसलमानों को किसने मरवाया, देश के 2 टुकड़े किसने किए, उग्रवादियों को कौन सी सरकारों के दौरान बढ़ावा मिला, मिलिटेंटों की फैक्ट्री कौन सी सरकार के दौरान चली, पत्थरबाज कौन सी सरकार के दौरान आए थे, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा कौन सी सरकार के दौरान खड़ा होता था,
मैं जो राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, अगर आपने यात्रा करनी है तो वहां यात्रा कीजिए जहां हमारी माँ के बेटों ने बलिदान दिए हैं, किसी बहन के भाई ने बलिदान दिया है, किसी भाई के भाई ने बलिदान दिया है, किसी के बेटों ने, बेटों के पिता ने बलिदान दिया है, किसी पत्नी के पति ने बलिदान दिया है, उनके घर जाइए, देखिए उनके सिर पर सत्य है, उनको खाना मिल रहा है, उनके घर जाना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जे क्या यात्रा कर रहा, मुझे बताएं। राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि हमारे परिवार ने शहीदियां दी हैं। राजीव गांधी जी की बात करें श्रीमती इंदिरा गांधी जी, 1984 में हमारी वो सिख बलादरी जिनको मैं लाखों बार नमन करना चाहता हूं, इन्होंने 1984 में सिखों पर बहुत जुल्म किया, खून खराबा किया, सिख बलादरी का, हिंदुओं का खून खराबा किया। 1947 में हिंदू मुसलमानों को मरवाया गया और लाखों हमले हमारे जम्मू कश्मीर पर उग्रवादियों के करवाए गए। कहां से आए उग्रवादी इनकी सरकार के दौरान, कहां से आए वो मिलिटेंट, कहां से आए वो पत्थरबाज, कहां से आए वो लोग जो लाल चौक में झंडा पाकिस्तान का खड़ा करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान किसी का रिश्तेदार था? मैं पूछना चाहता हूं, जे लोग देश के साथ खिलवाड़ करने वाले जे लोग, अभी देखिए कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक इन्होंने यात्रा की, हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, JKP पुलिस के जवान, CRP के जवान, हमारे सारे जवान बेल्ट फोर्स के, मैं उन जवानों को नमन करना चाहता हूं, उन्होंने दिन रात इनकी यात्रा को सफल बनाने का कश्मीर तक काम किया। जब ये यात्रा पूरी हो चुकी इनकी कश्मीर में पहुंचे, इन्होंने हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर अंगली उठाई, हमारी सिक्योरिटी पर अंगली उठाई, इन्होंने कहा हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास सिक्योरिटी ना थी तो आप कश्मीर तक कैसे पहुंचे? इन्होंने उस दौरान कश्मीर जाकर अपनी सिक्योरिटी का धन्यवाद करना था, इन्होंने थैंक्स करना था, अपनी सिक्योरिटी को नमन करना था। भाई मैं नमन करता हूं सिक्योरिटी का, जिन्होंने दिन रात, जिन जवानों ने मेरी यात्रा को सफल बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सी यात्रा है? इतने आदमी तो दिन को मेरे पीछे चलते रहते हैं बेचारे, ये कहां कौन सी यात्रा है? पूरे हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, हजारों की संख्या में हमारे जवान राहुल गांधी जी के साथ थे, इनको लाज क्या नाम दिया हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को, JKP पुलिस के जवानों को, हमारी सिक्योरिटी को? उनकी निंदा की है कांग्रेस पार्टी ने, क्या कहा हमें सिक्योरिटी नहीं मिली? अगर इनको सिक्योरिटी नहीं मिली तो इनकी यात्रा सफल किसने की? इतने आदमी नहीं थे इनके पास जितनी हमारी सिक्योरिटी के साथ घूम रही थी। मैं नमन करता हूं अपने जवानों को, जवान भारत की शान। एक इन्होंने बयान दिया था, इनके लीडर ने एक बयान दिया है दिग्विजय सिंह, उन्होंने बयान दिया हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर शक की नजर से देखते हुए कांग्रेस के लीडरों ने उन पर शक किया है। मैं निंदा करता हूं इस बयान की और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, दिग्विजय को उठा के जेल में बंद कर देना, लीडरों को बल नहीं छोड़ना चाहिए, ये पाकिस्तान के सपोर्टर हैं ऐसे लोग। मेरा सवाल भी तो सुनिए, आपका इतना जोश देकर कहीं ना मेरा सवाल भी घूम, हमारे जवानों पर अंगली उठाते हैं। वही दिग्विजय जी को मैं बोलता हूँ, दिग्विजय जी करके मैं कहता हूँ, सुनिए मेरी बात, आपका परिवार तब सोता है जब हमारे बेल्ट फोर्स के जवान बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। पर उसी बयान को नकार होनी चाहिए आप लोगों को। राहुल गांधी ने उस बयान को कहा कि हम इस बयान को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, आप मुझे बताएं दिग्विजय सिंह आपका, आपकी पार्टी का कौन सा लीडर है? जे आपकी पार्टी का, आप अगर आपको उस बयान की मामूली सी भी बेल्ट फोर्स के जवानों की थोड़ी परेशानी है तो दिग्विजय सिंह जी को पार्टी से बंद कर दिए, ऐसे आदमी को नहीं रखना चाहिए जो गंदी आदमी है। बाबा जी ये इस चीज से भी दोहराए नहीं कि जो राहुल गांधी ने मंच साझा किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के परिवार वालों ने भी, कांग्रेस पार्टी के जो परिवार उन्होंने भी शहीदियां दी है देश के। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात करें, राजीव गांधी की जी की बात करें, तो फिर कैसे आते आप कहते कि सिर्फ उन्होंने देशद्रोह की बात की है? मुझे बताएं, मैं पूछना चाहता हूं देश को तोड़ने की, मैं पूछना चाहता हूं, हमारे लाखों जवानों पर हमले हुए, हमारे बेल्ट फोर्स के जवान बॉर्डरों पर जब खड़े रहते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं, पूरा भारत हमारा पूरी चैन की नींद सोता है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आप मुझे बताएं
किसने 70 वर्ष के आप लोगों ने बॉर्डर पर बैंकर क्यों नहीं बनाए, आप लोगों ने बैंकर बॉर्डर पक्का क्यों नहीं किया। हमारे जवान बंद फोर्स के जवान झाड़ियों के पीछे हो होकर पाकिस्तान के साथ जंग करते थे, उस दौरान जो कांग्रेस पार्टी कहां थी, नंबर एक। नंबर दो, मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, गोरखा समाज को आप लोगों ने भारत में रहने का हक क्यों नहीं दिया, वाल्मीकि समाज को रहने का हक क्यों नहीं दिया, बेस्ट पाकिस्तानियों को रहने का हक क्यों नहीं दिया, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू। अगली बात मैं जब पूछना चाहता हूं, जो हमारे रिफ्यूजी हैं पीओके एरिया, जब जो इन्होंने पाकिस्तान को दिया 1971 में जब 1,00,000 फौज पाकिस्तान की हमारी बेड फोर्स के जवानों ने, इंडिया आर्मी ने जवानों ने कब्जे में ली पाकिस्तान की, उस दौरान इन लोगों ने 1,00,000 फौज पाकिस्तान की और साथ में पीओके भी पाकिस्तान को दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान क्या किसी का मामा लगता था, जो हमारा एरिया दे दिया, इनकी जगह में मैं होता तो मैं 1,00,000 फौज पाकिस्तान की अपने कब्जे में, मेरे कब्जे में उस दौरान मैं होता तो मैं आधा एरिया पाकिस्तान का अपने कब्जे में करना था, तब जाके मैं 1,00,000 फौज पाकिस्तान को, 1,00,000 पाकिस्तान को दे। उसके बाद सुनिए, पीओके एरिया देने के बाद 1947 में हमारे लोगों का खून खराबा करवाया, पहला जंग हिंदू और मुसलमानों का कराने वाली ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कल कल खून बगाया हमारे हिंदू मुसलमानों का, हमारे हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा खत्म किया। हमारा इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा देश, हमारे देश के दो टुकड़े किए गए। आज हमारा देश पूरा होता तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश हमारा हमारा होना था। फिर पीओके का एरिया इन्होंने चीन को दे दिया, आधा हिस्सा चीन को दे दिया। आज हमारे बगानी मां के बेटे, मैडम जी मैं आपके चैनल के थ्रू जो इस कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, जिन बेटों ने, मां के पिता के बेटों ने बलिदान दिए हैं, जब उनके घर उनका शब्द पहुंचता है तो मां का कलेजा फूट जाता है। ये क्या जानेगा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, लाखों लोगों को मरवा दिया, इन लोगों ने, सबूत है मेरे पास, मैं सबूत के साथ बात करता हूं, हवा में नहीं। आपने भी अपने परिवार को खोया था, हमारा 7 परिवार जो है रास्ते में ही मर चुके थे पीओके में, हमारा पीओके एरिया पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे भारत में पाकिस्तान का हक आज भी इस कांग्रेस पार्टी ने रखा हुआ था। मैं आज सेंट्रल गवर्नमेंट के अपील करता हूं, वो हिस्सा कौन सा है जो कसोडियन जमीन है, वो कसोडियन जमीन पाकिस्तान के बाप की नहीं, वो हमारे किसानों की है, वो हमारे किसानों को मिलनी चाहिए, हमारे किसानों के नाम पर मालकी होनी चाहिए, वो किसी के बाप की नहीं थी। अगर हमारा पीओके पाकिस्तान ले सकता है तो जो पाकिस्तान का हिस्सा इन्होंने वहां हमारे जम्मू कश्मीर में या भारत में रखा हुआ है, वो हमारे किसानों को मिलना चाहिए, उनके नाम पर मालकी होनी चाहिए। क्यों नहीं अभी तक केंद्र सरकार ने इस तरह का कोई प्रावधान किया, इस तरह का स्ट्राइक किया ताकि पीओके भी वापस ले ले, बलूचिस्तान भी वापस ले ले? वो लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इस कांग्रेस पार्टी की तरह लाखों लोगों को मरवाने का काम हमारी सरकार नहीं कर सकती, इन्होंने लाखों लोगों को उनकी हत्या करवाई है। अगली बात मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, जब सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हमारे भारत के लिए फौज बनाई, हमारे भारत को बचाने का काम किया और फौज को बढ़ावा देने का काम किया, युवाओं को बढ़ावा देने का काम किया, 70 वर्ष इन लोगों ने राज किया कांग्रेस पार्टी ने, आज तक पता नहीं चला सुभाष चंद्र बोस जी की हत्या किसने की है। इनके राज की बात है, उसके पास पैसों का खजाना था, सोना था, चांदी थी, पैसे थे, तब जाके अपनी बल फोर्स को वो बढ़ावा देते थे, पैसा था, वो खजाना भी गैब है तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी आज तक गैब हैं, उनको भी भारत की तरफ से इस कांग्रेस पार्टी ने आगे नहीं आने दिया, उनका नाम ही नहीं आगे आने दिया। क्या किया, उसको जला दिया, उसको कैसे मारा, कहां दबा दिया, जे कांग्रेस पार्टी के राज में सुभाष चंद्र बोस जी की हत्या हुई है उस दौरान, आज तक इन लोगों ने पता नहीं चलने दिया। मैं पूछना चाहता हूं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या बिगाड़ा हुआ था, जब इन्होंने 1947 में जिन्ना को, अगर हमारे जे लीडर अच्छे होते, कोई जरूरत नहीं थी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की, जहां उसको जिन्ना जी को प्रधानमंत्री बनाने की, ना देश के दो टुकड़े करने की, इन्होंने पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था।
हमारे देश के दो टुकड़े करते हुए 1947 में हिंदुओं मुसलमानों को कटाते हुए मैं आज भी कांग्रेस पार्टी को कहता हूं, यह कसूरवार पार्टी है, इन्होंने बहुत अत्याचार किया है। मैं यही कहना चाहता हूं, सुबह मैं भी तिरंगा झंडा उठाता हूं, जम्मू कश्मीर से चला जाता हूं कन्याकुमारी, देखता हूं मैं किसी गरीब को मेरी यात्रा से खाना मिलता है, या किसी को सत मिलता है, या किसी को पानी मिलता है, या किसी को बिजली मिलती है, या किसी को हक मिलता है। इस पार्टी ने क्या काम किया है? ये भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, इन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया है। लगता है यात्रा आपको लगता है कि भारत जोड़ने के लिए नहीं थी, ये कहां थी? ये राजनीति है, कौन बोलता है ये? आप बताइए, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक राहुल गांधी पहुंचे, कितना खर्च हमारे बेल्ट फोर्स का, जवानों का, कमांडो का, जेकेपी पुलिस का, हमारे इस पर कितना खर्चा हुआ राहुल गांधी की यात्रा पर? यह सारा वचन जो है हमारे वोटर पर, हमारी आम जनता पर, हमारे गरीबों के सिर पर यह वचन आएगा। क्यों बाबा जी, एक चीज, इसने कई सौ करोड़ रुपया जो है कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हमारी हमारी जनता पर बोझ डाला है। यह यात्रा नहीं, यह देश को कमजोर करने का काम है। वो तो जब भी कोई नेता बड़ा आता है तो वैसे ही होता है, वो जनता क्यों होता है, क्यों होता है? देश की कौन सी यात्रा, मुझे बताएं, ये कौन सी यात्रा करके आए हैं, बता ना मुझे। 1984 में जब इन्होंने सिख बलादरी पर जुल्म किया, वो सिख बलादरी कहां कहां, बाकी कहां कहां, वो सिख बलादरी, मैं लाखों बारी नमन करता हूं सिख बलादरी को, लाखों बार नमन करता हूं मुसलमान बलादरी को, लाखों बार नमन करता हूं मैं वाल्मीकि समाज को, लाखों बार नमन करता हूं मैं अपनी हिंदू बलादरी को, जिनका इन्होंने गल गल खून बगाया है, जुल्म किया है इन लोगों ने। बाबा जी आप हमने देखा बड़े ही जज्बाती हो गए, क्योंकि देश की बात होती है, हर कोई देशवासी जो है जज्बाती हो ही जाता है। पर सवाल बड़ा ही है कि आज कहीं ना कहीं आपके दर्द को भी कुरेदा गया है इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि मेरा दर्द क्या है मैं बताता हूं, जितना जोश हमने अभी देखा, मैं बताता हूं, जब हमारे गांव में किसी हमारे बेल्ट फोर्स के युवान का शब्द आता है ना, उस दौरान मैं वहां होता हूं, उस दौरान मैं देखता हूं मां का कालजा फटता है, बच्चों का कालजा फटता है, उनके परिवार का कालजा फटता है। जब क्या जानेंगे किसी का बेटे ने कहां बलिदान दिया है? मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दौरान जब हमारे बेल्ट फोर्स के युवान शहीद होते थे, उनकी राख पहुंचती थी कुज्जे में घर, आज बीजेपी सरकार ने फैसला लिया है कभी हमारा युवान अमेरिका में भी शहीद होगा वो उसका शब्द घर पहुंचेगा और उसके परिवार को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। कांग्रेस के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के दौरान जब हमारे जवान बॉर्डरों पर थे, पाकिस्तान गोले पर गोला फेंकता था, हमले पर हमला करता था, हमारी फौज को जब कांग्रेस पार्टी के सरकार के दौरान दिल्ली से ऑर्डर नहीं आता, वो पाकिस्तान पर फैर नहीं कर सकते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने कहा है, पाकिस्तान एक गोली चलाता है आप 100 गोली चलाओ, पाकिस्तान एक गोला फेंकता है आप 100 गोला फेंको। आज पाकिस्तान हमले पर हमला बॉर्डरों पर नहीं कर सकता, आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं हमारे बॉर्डरों पर फैर करे या हमले करे, आज पाकिस्तान लाल चौक में झंडा नहीं चढ़ा सकता, उनका ग्रुप नहीं चढ़ा सकता। आज बीजेपी सरकार ने पत्थरबाजों की फैक्ट्री को बंद किया है, मिली डंडों की फैक्ट्री को बंद किया है, लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया है, बॉर्डरों को पक्का किया है, अब अपनी बल फोर्स को युवाओं का नंबर वन बनाने का काम किया है। मेरे को भाई बाबा जी वही मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से आज आपने भारत जोड़ो यात्रा पर इतना यानी कि मुंह तोड़ जवाब यू ही कहेंगे कि आप बरसे हो जमकर, वहीं पर और भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को अगली बार हम आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। पर जाते जाते एक सवाल जरूर कहेंगे आपसे, क्या खाते हैं आप सुबह बाबा जी, इतनी एनर्जी आप में, ओवरलोडेड, क्या क्या खाते हो बता दो। खाता तो मेरी बहन में खाना ही हूँ, लेकिन बात सिर्फ ये है, जो जवान हमारे शहीद हुए हैं ना, उनका जुनून जो है वो मेरे अंदर है, उनका जुनून बोलता है। जब मैं उनके परिवार को देखता हूँ, जब कोई जवान शहीद होता है, उनका शब्द घर पहुंचता है ना, उनकी माँ बहने भाई बाप बच्चे बेटियां बेटे, और रोने में ही पूरी उम्र गुजार देते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, जहां हमारे बेल्ट फोर्स के जवान शहीद होते हैं, वहां इन लीडरों को आगे करना चाहिए, इनको पता चले जवान कैसे शहीद होते हैं। धन्यवाद बाबा जी। ये थे हमारे साथ समाज सेवी और धार्मिक कार्यों में हमेशा अग्रसर रहने वाले बाबा चंचल, क्योंकि हमने आपको बार बार इनकी कई बार वीडियोस भी दिखाई कि अपलोड भी करते हैं। अभी इन्होंने हाल ही में अपने वहां पर जो इनका स्थान है, पूछनी चाहिए, राहुल गांधी अभी कश्मीर में है, मैं इनको पूछना चाहता हूं, कौन सा मुंह लेके आप कश्मीर में पहुंचे हो राहुल गांधी जी, मुझे जो बताएं, 5 लाख कश्मीरियों को
मार कटाई करके उनको कश्मीर से बाहर निकाला गया आपकी सरकार के दौरान, उनकी बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी मातृशक्ति के साथ अत्याचार हुआ और लोगों को गोलियां मारी गई और काटा गया और हमले पर हमले किए गए। आज कौन से मुंह लेके ये कश्मीर में पहुंचे हैं भाई? 5 लाख लोगों को बेदखल करना आपकी सरकार के दौरान, शर्म होनी चाहिए। मैंने देखा जाता है। हिंदुओं मुसलमानों का भाईचारा खत्म होता है। जे सरकार उस दौरान सोई हुई थी तो अभी की जो सरकार है अभी की सरकार है वो क्या उन्हें वापस ले जा पाई, सुरक्षा दे पाई? अभी हमारी सरकार ना, अभी ये भी सॉरी पीएम पैकेज के तहत आल जम्मू रिजर्व कैटेगरी के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, मैं बताता हूँ हमारी सरकार पहले नंबर पे, मैं आपको बताता हूँ जहाँ जहाँ कश्मीरियों का हक है वहाँ वहाँ उनको हक मिलेगा। ये पूरा हिंदुस्तान इन लोगों ने कब मिलेगा? 30 साल तो सुनी कहाँ हमारी सरकार को, अभी 8-9 वर्ष हुए हैं टोटल। क्या किया 8 साल? मेरी बात में सुनी, 8 वर्ष में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कांग्रेस सोच नहीं सकती। आपको पता है सारा, आज जहां 10 फुट रोड था वहां 100 फुट रोड बन चुका है। जहां 10 फुट रोड की चढ़ाई थी वहां 100 फुट की चढ़ाई में जम्मू से लेकर पुंछ तक हाईवे बनाए गए हैं। जहां 8 घंटे लोगों को जम्मू से पुंछ लगते थे आज 3.5 घंटे में पुंछ पहुंच सकते हैं। बड़े बड़े फ्लाईओवर जो हैं वो बनाए गए हैं। कश्मीर जब जाम लगता था एक तरफ गाड़ी को छोड़ते थे दूसरी तरफ बंद करते थे, 2-2 दिन में लोग गाड़ियों में ही बैठे रहते थे। आज 5 घंटे में लोग कश्मीर पहुंच सकते हैं, 5 घंटे में लोग जम्मू पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमारे जम्मू के लोगों के पास एम्स नहीं था। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स बना के लगभग जम्मू में तैयार कर दिया। सुनिए तैयार कर दिया। जम्मू कश्मीर में एक भी बैंकर नहीं था हमारे जवानों के लिए। पूरे बॉर्डरों पर हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने हमारी सरकार ने पूरे बॉर्डरों पर जम्मू कश्मीर में छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में बैंकर बनाने का काम किया और बॉर्डर को पक्का करने का काम किया। पहली दौरान कांग्रेस के दौरान 1-1 किलोमीटर में 1-1 बूटी लगा के रखी हुई थी। पाकिस्तान का कुत्ता भी हमारे हिंदुस्तान में आ जाता था। आज हमारे बॉर्डर जो है लगभग सील कर चुकी है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, बेल्ट फोर्स को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस के दौरान 300 रुपया पे थी हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों की, आज 70-70 हजार लाख रुपया तनख्वाह जो है हमारी गवर्नमेंट कर चुकी है। हमारी गवर्नमेंट यही चाहती है जवान भारत की शान। मैं लाखों बार अपनी सरकार की तरफ से, अपनी भारत की तरफ से नमन करता हूं। दूसरा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे एक अपील और करता हूं, हमें डिटेल निकालनी चाहिए इन लीडरों की जिन्होंने 70-70 वर्ष राज किया है हिंदुस्तान पर। जब ये इलेक्शन इन लोगों ने पहली बार लड़ी थी उस दौरान इन लोगों के पास कितना पैसा था? आज इनके पास करोड़ों अरबों रुपए कहां से इनके पास आए? इनकी पूरी डिटेल निकाल के जो पैसा इनका वहां बचता है वो जनता को देना चाहिए। वो पैसा जनता का है, किसी के बाप का नहीं। बाबा जी, जनता का पैसा है। आज आप जम्पर बरसे हैं राहुल गांधी की 12 जोड़ो यात्रा पर। अगली बार जब हम आपसे मुखातिब होंगे, हम जम्मू के जो जम्मू कश्मीर के खासकर जो बर्निंग इशू है हमारे युवाओं को लेकर, हमारी आम जनता को लेकर, युवा लगातार सड़कों पर है। आज की अगर बात करें तो लाठी चार्ज हुआ हमारे डेली वेजर्स के ऊपर, उन पर भी बात करें। वो भी कांग्रेस की देन है, वो भी देन कांग्रेस की है। इस कांग्रेस देन सुनिए मेरी बात सुनिए, ये कांग्रेस की देन है। 20-20 साल जवानों को बॉर्डर बक्स में लगा दिया, 300 रुपया, 700 रुपया, 500 रुपया पे की। आज हमारी बीजेपी सरकार ने 9-9 हजार रुपया इनकी पे की है। पक्की डेली में इनको लाने का फैसला ले लिया है। सुनो पक्की डेली में आके इनको आप कहते कांग्रेस की देन, हम मानते हैं पुरानी सरकारों की भी देन है, पर भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था सबसे पहले हमारी अगर केंद्र में सरकार आती प्रधानमंत्री जी ने कहा था मुद्दा जो है वो डेली वेजेस को पक्का करने का। फिर क्यों लाठी चार्ज हुआ? किसके शासन में लाठी चार्ज हुआ? अब इस पर भी सवाल नहीं, अभी सुन रहे थे हम आपकी बात। अब अगर जहां हमारे जवानों की बात आएगी, हमारे युवाओं की बात आएगी, हमारी जनता की बात आएगी, हम तुम्हें बेबाकी से पूछेंगे। इतने जोश से आपने उनके लिए मुद्दे रखो ना,
हमारे डेली वेजेस के रखो, हमारे लैबरे खेल के रखो, हमारे एनवाईसी के रखो। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या? फिर आप डंडे क्यों? मैं अपील करता हूँ, डेली वालों को, डेली वालों को जल्द से जल्द पक्का करना चाहिए। डेली वाले आज हैं डंडे पर। सुनिए सुनिए, आप जहाँ बात शुरू हुई थी वहां से शुरू होने दीजिए। कांग्रेस पहले पहले बात सुनिए, पहले मुंड पकड़ना चाहिए। पांच बार कहाँ जाएंगे ऐसा घुड़ा? अभी राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी जी पूछते हैं गन्ने को गुड़ कहाँ लगता है? एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो, तीसरी तरफ बोलते हैं आटा कैसे लीटर है, लोग केजी बोलते हैं, बोलता कैसे लीटर है। तीसरी बार बोलता है, चौथी बार काले किसान। मैंने थोड़े दिन पहले बिहार सुना था, मैं वो राहुल गांधी नहीं हूं, मैं सच्ची बात करूंगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर नई नीति बना रही है, हमारे गवर्नर साहब ने डेली वालों के डॉक्यूमेंट, मैं आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूं, ये बहुत जल्द पक्के होंगे। अगर पक्की डेली में बीजेपी सरकार ने इनको लाया है, 300 रुपए से उठा के 9000 रुपए में लाया है, तो आगे पक्की डेली, पक्की नौकरी में भी लाने में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेंगे। सुनो, ये मजाक की बात नहीं, डेली वाला हमारा परिवार है, मैं डेली वालों को नमन करता हूं। ये बेचारे बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, जो आपकी नई पड़ी है उसको जल्द से करके दिल्ली वालों को पक्का करना चाहिए। बाबा जी, हम तो यही कहते हैं, चलिए आपकी आवाज सुन रहे केंद्र सरकार, पक्का करना चाहिए, क्योंकि आज वाला हमारे परिवार। आज जिस तरह से रहबरे खेल को डिटेन किया गया, उन पर भी लाठी चार्ज हुआ, आज जिस तरह से डेली वेजर पर लाठी चार्ज हुआ, तो किसकी कमान के तले हुआ, किसके इशारे पर ये हुआ, ये भी बताइए ना। आप कहोगे कांग्रेस ने, सुनिए मेरी बात, कोई कांग्रेस ने, कोई कोई क्या पीडीपी ने, कोई किसी पर छारा नहीं करेगा, कोई किसी पर छारा नहीं करेगा। जवान भारत की शान, ये भी हमारे जवान है, जो भी सरकारी कर्मचारी है वो हमारे जवान है, वो देश के लिए काम करते हैं, और इनको बहुत जल्द पक्का किया जाएगा। 8 वर्ष में जो बीजेपी सरकार ने किया है आप बेहतर जानते हो, आज पूरा वर्ल्ड कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारा होना चाहिए, आज हमें गर्व होना चाहिए। मैं नमन करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और मैं अपील करता हूं अपने डेली वालों को जल्द पक्का करना चाहिए। ये थे हमारे साथ समाज सेवी बाबा चंचल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर बरसे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो राहुल यानी कांग्रेस की सरकार में जो जो हुआ, जिस तरह से विभाजन हुआ, जिस तरह से कत्लेआम हुआ था हिंदू और मुस्लिम्स का, ये बाबा जी का कहना है, तो उसी तरह उसकी जिम्मेदारी, इनका कहना है कि वो जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है, तो आज वही कांग्रेस कहती है हम भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आए हैं, और भारत टूटा कब था, ये बड़ा सवाल। और साथ ही साथ जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हमने आज बात की, फिलहाल ये जरूर कहेंगे बाबा जी, बड़ा लंबा हो गया आपका, एक मिनट। देश है, मैं कांग्रेस पार्टी को जो पूछना चाहता हूं, जब कोरोना के दौरान हमारे भारत के लोग भूखे मर रहे थे, उस दौरान ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी कहां था? क्या कोई नींद वाली टिक्की खा के सोए हुए थे कहीं महलों में? मैं पूछना चाहता हूं, उस दौरान हमारी भारतीय जनता पार्टी ने फ्री आटा चावल जनता को दिया, हमारे भारत के लोगों को दिया, टीका लगाने का काम, टीका लगाने का काम किया, दवा देने का काम किया। हमारे जितने सरकारी कर्मचारी थे वो घर घर जाकर कोरोना के दौरान टीके लगाए और लोगों को दवा दी, और वो खरबों रुपए लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दौरान लगाए। और मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं उस दौरान 20 ट्रक चावल और आटा मैंने बांटा था, राहुल गांधी जी आपने कितना बांटा है, आप भी मीडिया में बताएं इस चैनल के थ्रू आपने कितना बांटा था। क्या कांग्रेस के पास पैसा नहीं है? बहुत पैसा आप लोगों के पास, आपने पूरी जनता का पैसा निचोड़ के अपने अंदर भर के रखे हुए हैं। जब मैं जानता हूं मेरे जैसा गरीब 20-20 ट्रक आटा दे सकता है गरीबों को कोरोना के दौरान, आप उस दौरान कहां थे? मेरे ख्याल में वो वहां गए थे, इटली सिटली उधर घूमने गए थे। चलिए, अगर मैं बंद नहीं करूंगी, मैंने तो अब बंद ही नहीं करना, क्योंकि बाबा जी बोलते रहेंगे, बाबा जी के अंदर का जो गुबार वो आज निकल रहा है, कहीं ना कहीं ये जरूर हम कहेंगे, दोहराए की बात नहीं, कि बाबा चंचल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर हालात में तत्पर रहते हैं आम गरीबों की, आम जनता की मदद करने के लिए। जो एक खासी जो नेताओं का काम है, बड़े बड़े लीडरों का काम है, बड़ी बड़ी पार्टियों का काम है, उससे भी बढ़ चढ़ कर काम करते हैं बाबा चंचल। समाज सेवी होने के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी हमेशा अग्रसर रहते हैं, ना जाने कितनी बहनों के सर पर उन्होंने हाथ रखा है, उनका कन्यादान किया, जन शायद जिनके या माता पिता नहीं, या जिनके माता पिता होते हुए वो इस काबिल नहीं कि अपनी बेटियों का कन्यादान कर सके। हम बाबा जी के जज्बे को सल्यूट करते हैं और देशभक्ति के जज्बे को। बाकी सरकारें जना आती जाती हैं, कहीं ना कहीं सत्य कहने का, बात कहने का हर एक को अधिकार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।